हेलो दोस्तों, दिस इज आलोक मिश्रा। वेलकम टू ऑन माय प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, जिनमें जिनके केवीएस का रिजल्ट, जिनको जिनके लिस्ट में मतलब जो लिस्ट आई है उसमें केवीएस के रिजल्ट में आपके अगर नाम नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवीएस के द्वारा एक वेटिंग लिस्ट भी जारी होती है, और ये जो वेटिंग लिस्ट है इसकी जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी, देखिए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, अभी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई है इनकी ज्वाइनिंग होते होते दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा। और इसके बाद कई सारे ऐसे अदर अदर स्टेट्स के लोग भी हैं जिनकी कई अदर स्टेट्स में भी ज्वाइनिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो जाती है, साउथ इंडिया के स्टेट्स में होगी, तो काफी लोग उस पोस्ट को नहीं ज्वाइन करते हैं, या कई क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपने लड़कियों को दूर नहीं भेजते हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो ऐसे में आप देखते हैं कि कई सारी सीटें वैकेंट होती हैं, और इसके जो प्रोसेस होने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका वेटिंग लिस्ट भी जारी होता है। तो जिनकी कट ऑफ थोड़ी कंपैरेटिवली, जिनकी कट ऑफ कम है कंपैरेटिवली, जो कट ऑफ गई है, तो वो भी होप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगले 3 महीनों में के बाद लगभग आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो होपफुली आप लोग अपने धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें, और मार्च तक, फरवरी लास्ट मार्च तक आपको एक वेटिंग लिस्ट दिखती है, जिसमें केवीएस के भी पुरानी वैकेंसी की बात करें, 2018 की वैकेंसी, वहां भी केवीएस की वेटिंग लिस्ट आई थी। 2021 में भी केवीएस की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। तो होपफुली आपको ये अपडेट जो है वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा कि वेटिंग लिस्ट जारी होती है। काफी लोग मैटरनिटी लीव पे चले जाते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, केंद्रीय विद्यालयों में टीचर की जगह रह जाती है, रिक्रूटमेंट की जो रिक्तियां हैं वो रह जाती है, तो वेटिंग लिस्ट फिर से जारी होकर के, और जो भी होंगे जो कैंडिडेट उससे कम वाले परसेंटाइज के जिनके मार्क्स होते हैं उनको फिर ले लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट आप सबके लिए थी, और हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।